तो अगर देखो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल में देखोगे, पार्टिकल मूविंग ईस्टवर्ड, एक पार्टिकल ईस्ट में जा रहा है। अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो एक पार्टिकल ईस्ट में जा रहा है इधर, और अगर ये पार्टिकल ईस्ट में जा रहा है जो कि 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ठीक है, अचानक से इसकी स्पीड में भी वन ले लेता हूँ, अचानक से डायरेक्शन चेंज नॉर्थ, अचानक से ये नॉर्थ में जाने लगा, इसकी स्पीड में स्पीड तो सेम है लेकिन वेलोसिटी वेक्टर में वी टू ले लेता हूँ, बट स्पीड इस स्टील रिमेंस 5 सेंटीमीटर 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये वाली चीज़ मोड। तो यहाँ तुम देखोगे, अगर मैं वेक्टर में लिखूंगा, पहले वाले का मैं वेक्टर इक्वेशन लिखूंगा, तो बी वन मॉड इज इक्वल टू 5 i कैप, ठीक है, और बी टू मॉड इज इक्वल टू, यहाँ से देखोगे तो 5 j कैप, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे, हमें चेंज इन वेलोसिटी निकालना, एवरेज एक्सलेशन निकालना, तो एवरेज एक्सलेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर मैं इसको निकालता हूँ तो डेल्टा वी किस में से किसको घटाऊंगा, ये फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी 5 i कैप भाई, चेंज इन वेलोसिटी निकालूंगा तो बी टू माइनस बी वन ही तो निकालूंगा यार, ठीक है। और मैं इसको अच्छे से लिख सकता हूँ, -5 i कैप + 5 j कैप, दिस इज द चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, मॉड आ जाएगा, वो आ जाएगा 5 का स्क्वायर और +5 का स्क्वायर √, ठीक है। तो कुल मिला के आ जाएगा 5√2 मैग्नीट्यूड चेंज इन वेलोसिटी आएगा। चेंज इन स्पीड तो 0 आ जाएगा यार, स्पीड तो सेम है ना भाई, तो स्पीड सेम है तो चेंज इन स्पीड तो 0 आ जाएगा। बट अगर तुम देखोगे यहाँ हमें, तो चेंज इन स्पीड 0 है, चेंज इन वेलोसिटी 0 नहीं है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी बदली है, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला है। अब हमें एक्सलेशन चाहिए, तो एक्सलेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई टाइम टी। तो चेंज इन वेलोसिटी 5√2 आया, और टाइम यहाँ 10 सेकेंड लगा चेंज होने में, तो ये ए आ जाएगा √2/2, मतलब 1/1√2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ से, तो यहाँ से तुम देखोगे कि 1/√2 m/s² एक्सलेशन का मैग्नीट्यूड आया होगा। तो इसका मतलब डायरेक्शन भी पूछ रहा है, तो एक्सलेशन की डायरेक्शन किधर होती है भाई, एक्सलेशन की डायरेक्शन जो है हमेशा चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है, डेल्टा भी की डायरेक्शन में होती है। तो जिधर बच्चों डेल्टा भी, ये वाला जो चीज़ होता है डेल्टा भी, जिधर होता है उधर ही एक्सलेशन होता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़, तो अगर तुम एक्सलेशन की डायरेक्शन निकालते हो तो वेलोसिटी का वेक्टर डायग्राम यहाँ स्केच कर दो, तो ऊपर जो वेलोसिटी थी डेल्टा भी वो कैसी थी, तो वेलोसिटी जो थी वो -5 i कैप और +5 j कैप, इस पूरे को मैं वेक्टर रिप्रेजेंट करूँगा इस इक्वेशन के, तो मुझे पता चल जाएगा। हमें वी वन तो पता है, वी टू भी पता है, लेकिन डेल्टा भी किधर है वो नहीं पता है। तो स्पेस में मैं -5 i कैप इधर बनाऊंगा, ठीक है, दिस इज -5 i कैप, और +5 j कैप मैं इधर बनाऊंगा, ठीक है, इन दोनों वेक्टर को मैं बना दूं। अब पैरेललोग्राम लॉ से इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, ये दिस वेक्टर इज डेल्टा भी, ठीक है, जिसकी मैग्नीट्यूड हम पहले ही निकाल चुके हैं 5√2, और डायरेक्शन ये कौन सा है, ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, जो कि ईस्ट से 45 डिग्री पर आएगा। तो नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट इसका डायरेक्शन होगा, या वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, मतलब बी ऑप्शन अपना सही बन जाता है। तो आई होप कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया, अगर इसके बाद भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करना, और बच्चे एक दूसरे का भी कमेंट रिप्लाई करते रहते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।